ये देखिए फाइनली आमना मेरे रूम में आई है। आमना बहन आपको कैसी लगी स्पेगेटी? किसी ने बताया नहीं आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे, यम्मी सच्ची में। और पता है ये मैंने 5 मिनट में बनाई क्योंकि भाभी रेसिपी बहुत यम्मी बनाती है ना, मुझे भी यही लगता है। अभी तो बहुत टाइम है शेरी में, मुझे ये बड़ा कचरा जहर लग रहा है। मेरा अनबॉक्सिंग का प्लान है ये वाला, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस। अभी मैं थोड़ा नमाज पढ़ लूँ, कुछ खाया, और मेरा गला भी हमने चेंज लग रहा है ना, थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कर ली अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग के बाद कुछ ये हशर होता है, ये देखें। और जो मुझसे पूछ रहे थे बेडशीट का, ये देखें, ये बेडशीट है और ये मैंने खोली अनबॉक्सिंग में, ग्रे कलर में है और इसके अंदर से ये प्रिंट है। अब ये सारा ये मैं समेटूँ, मैं ये समेटूँ, क्लीन करूँ तो जी। ये देखिए ये जो है अब कचरा में फेंक कर आऊँ। और आज जो ये मिशन मिरर भी क्लीन करना है। ये देखिए ये जो मेरा ब्लैक ड्रेस है उसका ये दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा हसीन है यार। अगेन मैं मिरर साफ़ करना भूल गई, रुके साफ़ करके बाद में दिखाऊंगी, बट ये बहुत प्यारा है। और इसका जो है मैं कल स्टिच करने भी दूंगी, तो सून जो इसकी ईद कलेक्शन की वीडियो भी आने वाली है, आई मीन इस ब्रांड की ईद कलेक्शन की वीडियो जो है आने वाली, मैं पोस्ट करूँगी। इनके बहुत ज़्यादा प्यारे ड्रेसेस हैं। ये जो है इसका गला है और ये पट्टियाँ हैं, पूरा इसका लुक है बाद में दिखा। और इस पार्सल में जो है उन्होंने मुझे बहुत ही क्यूट सी चीज़ें भेजी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें ये बहुत सॉफ्ट सी स्क्रंचीज हैं। एंड ये दो टॉप्स उन्होंने मुझे भेजे, ये थोड़े अजीब से पर क्यूट हैं। और ये भी देखें ये भेजे। चलें जी तो ये अपनी मैं रखती हूँ लग्जरी लॉन, फिर जब ये कल जाएंगे टेलर के पास और कुछ एक्सेसरीज लेंगे ताकि मैं चाह रही इसको मैं बहुत ही खूबसूरत बनवाऊं। गाइज आप लोगों में से कौन लोग जो ये करते हैं ड्रेस जो है वो काट के फाड़ के फिर जो है ये पार्सल्स की शीट फेंकते हैं? मैं देखें सीजर लेके बैठी, ये ड्रेस वगैरह जो है ये मैं फाड़ूंगी काटूंगी अपना अपना नंबर और बाद में इस तरह से यहाँ पे फेंकती। आप लोग भी इस तरह मुझे ज़रूर बताइए करते हैं या बस वो एड्रेस वगैरह लिखा बस ऐसे फेंकते हैं। गाइज मेरी अम्मी ने जो है फ्रेश फ्रेश दही जमाई है और घर की जो है दही की बात ही अलग होती है, मतलब आपको पता था कि ये प्योर है एंड बाहर की में तो कितनी मिलावट होती है। इसे अगर आप लोगों को नहीं आती जमाना तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अम्मी से पूछ के आप लोगों को बताऊंगी और नेक्स्ट टाइम जो भी होगा वो सारा रिकॉर्ड करके प्रोसेस भी शेयर करूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाह, मतलब कितनी प्योर और घर की कितनी अच्छी बनी है। चलिए जब जो है मैं चेंज करती हूँ एंड अब हो चुका है रमज़ान का थर्ड डे, तो थर्ड डे पे मैं जो है अपना न्यू ड्रेस पहनती हूँ वो आपको दिखाती हूँ लॉन वाला, और जब तक लाइट भी आ जाएगी और बाकी का जो है बातें शातें और जो भी है वो बाद में। तो गाइज ये देखिए ये जो है मैं सबीना, तो गाइज ये जो मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ ये मैंने जो है न्यू बनवाया था रमज़ान के लिए स्पेशल, तो इसका मैंने सिंपली गोल गला करवाया है और ये वन प्रिंट है जिस तरह से आजकल चल रहा है। और इसका जो दुपट्टा है मैं दिखाती हूँ आपको कोई कर लेंगे बाकी। चले मैंने सोचा अब जो है मैं न्यू पहनती हूँ कोई ड्रेस ये पहनूंगी। मॉर्निंग ये देखिए हमारी मिनचे जान उठ कर आइए लगी हुई है जी, सबको सलाम कर रही है गाइस, अस्सलामुअलैकुम ये बोल रही हूँ मिनचा जान, हाँ यही बोल रही है गाइस। देखिए ये मैंने चेंज कर लिया, दिस इज़ माय आउटफिट डिटेल्स, ये मैंने रमज़ान के लिए स्टिच करवा के रखा था और मैंने नहीं पहना तो आज मैंने बोला कि मैंने न्यू पहने। ये करते ही मिरर साफ, पता है कि ये मिरर साफ होने के बाद मुझे लग रहा है कि वो हो गया। तो गाइज आज जो है हम पराठे बना रहे हैं और हम जाके मैं तो पूरे घर में होके दे दूँ चाहे लस्सी चाहे लस्सी, एक तो इन्हें बना के दे ऊपर से इनके नखरे बता भी नहीं रहे, चल के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चाय या लस्सी, चाय या लस्सी गाइज ये देखिए इसका स्वरूप। आमना जो आप चेंज करो मेहरबानी करो, कल से तुमने यही पहना है, ये दूसरा व्लॉग हो गया है। मैं क्या करूँ तुम रोज, हाँ रोज ये रोज डेली तो व्लॉग बना रहे हम, अल्लाह को मानो जाओ पुजेगा पुजेगा जाओ। और ये देखिए हमारी शरीफड़ी रोटियां बना रही है, क्या कह रही हो? कोई न्यू मेरे रूम में जा रही है गाइस जी ताकि मैं व्लॉग बनाती ना मेरे कपड़े ले आमना, कुछ तो फायदा हो ना। और फिर क्या कहती है भाभी कि मुझे कोई देता नहीं फ्री की मैं हूँ, सिंपति गेन करती हूँ मैं, सिंपति गेन मिसनी।
नहीं बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ आलू। फाइनली सारी चीज़ें सोच सोच के एंड पे ये डिसाइड हुआ कि मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और ये लोग पराठे बना रहे हैं, वो पराठे भी बनाएंगे और लस्सी बना लेंगे। टाइम बस मेरी का यूँ पहुँचता ही हूँ। ये देखिए बस ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, आमना का भी पराठा बनने वाला है और ये मेरी मैडम हमारी प्रोसेस में लगी हुई है। ये देखिए मेरा पराठा इसने चला दिया। नहीं मतलब मैं वो कर रही थी यार, उसको मेरा भाई जो है ना, अगर आया ना मेरे पराठे पे कब्जा कर लेगा और वो इतना वो बड़ा वो क्या कहते हैं वो, आप लोग जब तक लड़ो जब तक मैं अपनी लस्सी बना लूं। भाई और तुम्हारी बचपन से ही लड़ाई है ये। वो में वो है टॉम एंड जेरी जो कभी बनती नहीं और वो टॉम एंड में जेरी समझ जाओ। एक्चुअली अब जो है मैं बना रही हूँ चाय और ये लोग बना रहे हैं लस्सी। मेरा दिल था चाय बनाऊं क्योंकि वो स्पेशल वाले पराठे बने हैं। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कौन से स्पेशल वाले पराठे, बस ऑलमोस्ट बनने वाले। ये हमारा रेडी हो चुका है और अब बस मेरी चाय बने लेकर आती हूँ। ये हमारी शरीफली आमना और ये ऑलमोस्ट बन गई मेरी चाय, मेरी सांस अटकी हुई जल्दी से बने। और ये मेरी गुगनू चुगनू डुगनू 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 आए गाइस, मेरी सांस में अटका हुआ था, मेरी चाय बन चुकी है। अब ये मेरे यमीएस्ट पराठे, ये लोग मिनसोको से खा रहे हैं कि बुआ नहीं पप्पो बोलो, और ये बोल रही बुआ बुआ अच्छा मैं मेरे बात, और ये बुआ इसको आसान लग रहा है, इसको पप्पू मुश्किल लग रहा है, इसीलिए बुआ की या ये बोल रही है फू। हाँ या तो ये बोलती है फू या तो बुआ, देखो कितना ईजी लग रहा है, और इसे पप्पू बोलना मुश्किल लग रहा है। तो जैसा आ चुके तो अभी मैं पढ़ती हूँ नमाज, उसके बाद जो है कुरान पढ़ती हूँ, वरना मुझे देर हो जाती है। कल बहुत देर हो गई थी कुरान पढ़ते हुए, इसीलिए मैंने सोचा आज फटाफट से नमाज पढ़ के फिर उसी टाइम जो है कुरान पढ़ती हूँ। माशाल्लाह से दूसरा कंप्लीट हुआ, कल से इंशाल्लाह जो है तीसरा पारा शुरू करेंगे। तो जी मैंने कुरान पढ़ लिया, मैं सोने चलती हूँ, बहुत थक गई, बहुत नींद आ रही है। कुरान रख कर आती हूँ और फिर सोने की तैयारी करती हूँ। मैंने सोचा कि गुड नाइट भी बोल दूँ और ये रिमाइंडर भी होता है आप लोगों के लिए, जितना हो सके एक वर्क या दो वर्क जितना भी हो सके आप लोग जो है मतलब एक सफ़ा है दूसरे सफ़ा जितना भी हो सके आप लोग कुरान ज़रूर पढ़ा करें आफ्टर नमाज, या अगर आप पढ़ सकते हैं पूरा एक पारा फजर के बाद तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, जब भी आपको यू नो कंफर्टेबल लगे या जब भी आपको लगे कि आप आराम से पढ़ सकते हैं तब कुरान ज़रूर पढ़ा करें। एक रमज़ान में जो है कम से कम भी एक कुरान जो है कम्प्लीट ज़रूर करें। रमज़ान में ये होता है कि जो भी यू नो आप इबादत करते तो आपको उसका डबल ट्रिपल सवाब मिलता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आके ये भी थोड़ा बहुत रिमाइंडर दे दिया करूँ। चलें जी तो अब मैं सोती, फिर मिलती आप लोगों से सुबह। अभी एवरीवन तो जी मैं थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ, तो जैसे उठी हूँ मैंने सोचा पहले सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आके आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि जो है मुझे आज थोड़ा बहुत कुरान भी पढ़ना है। रात जो है मैं जिया वालों के घर जाना है तो मैं भी मुझे टाइम ना मिले, इसलिए मैंने सोचा मैं जो है अभी कुरान पढ़ लूँगी। चलें जी नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ। हम इसका ऐसे क्लोज अप लेंगे, टन 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 आ गया, कब बताऊं मैं। आज आपको कंप्लीट लग रहा है, कल आपका बदाम ही नहीं आया था, लगी नहीं रहा था, ये सुनना था मुझे गाइस, कल ये इसकी केबल नहीं थी तो इसका बदाम भी नहीं था, बेचारी उदास उदास थी। क्या कह रही हैं, मोबाइल में लाइव देखा था आपने, ऐसे लोग होते हैं फैंस गाइस, मुझे ऐसे फैंस चाहिए, ऐसे सबीना जैसे। वैसे मुझे किसी ने कहा था मुझे आपके ब्लॉग का ऐसे वेट होता है जैसे सबीना को बदामी का, वो लड़की मुझे बड़ी प्यारी लगी जी। भाभी मैं भूल जाती हूँ नेम्स, बहुत सारे लोग होते ना, वरना मैं जरूर नाम लेती क्योंकि वो लड़की मुझे बड़ी प्यारी लगी थी जिसने इसे बोला था, और वो चीज ना मुझे दिल से अच्छी लगी तो इसीलिए मैं उसका नाम अभी मैं जाके पढ़ कर आऊंगी फिर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। चले ठीक है, तो
जी अब जो है हम रोल बना रहे थे उसकी ये प्रिपरेशन हो रही थी। ये जो है मैदे के पराठे हैं, ये मैं भाभी को सिखवा रही थी। भाभी जो है वो पराठे बना रही थी। आपको तो पता मुझे आती नहीं है रोटी बनाना। सो ये देखिए जी कितने यम्मी बने थे। इन लोगों के मैंने ऑयली बनाए हैं और अपने जो है मैंने बिना ऑयल के बनाए क्योंकि मेरा गला थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा था। लिए और माशाल्लाह से रोल बहुत अच्छे बने थे और मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी पढ़ती हूँ नमाज और उसके बाद चाय पीती तो मेरी आँखें खुले फिर आपके साथ जो है बातें शातें करें। तो जी अब हमारी चाय का टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से चाय बनाऊँ कड़क कड़क वाली, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आज मुझे टेलर के पास भी जाना है, बहुत सारे काम है, इसीलिए मैंने सोचा पहले जो है बना लेती हूँ अपनी चाय। और ये सारे देख रहे हैं टीवी। सुकून कसम से। अब चाय पीऊँ फिर रेडी हूँ फिर जिम चलते हैं। रमज़ान की रूटीन ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं चीज़ें, और स्पेशली मैं वैसे तो खाऊँ ना खाऊँ लेकिन रमज़ान में मैं ज़रूर खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि रमज़ान में जो है जिम में कंटिन्यू करूँगी ताकि थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। अब वो तो बात नहीं है कि ज़्यादा लेवल आ जाएगा नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल हो जाएगा। चलिए चाय पीती हूँ रेडी होती हूँ और फिर चलते हैं जिम। जी आ गई हूँ जिम से, अभी मैं होती हूँ फ्रेश, फ्रेश होकर आती हूँ यहीं पहन फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल न्यू व्लॉग के साथ। अभी जो ये तीसरा रोज़ा हुआ इख्तिताम पर, उम्मीद करती हूँ आप सबका जो है रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। एंड अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए जो मैं डेली व्लॉग्स ला रही हूँ ट्रस्ट में बड़ा मुश्किल है। सो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें आप आगे क्या देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। प्लीज़ नुक्स ना निकाला करें, तो जो भी होता है रियल होता है, मैं फेक कुछ भी नहीं बनाती। तो जिस तरह से होता है मैं चाहती हूँ कि वो रियली बाहर आए और सब कुछ जो है वो सिंपल सादा सा लगे, कोई शो ऑफ ना लगे। तो ये जो कमेंट्स करने वाले थे ना न्यू ड्रेसेज ये वो ये करें वो करें और यू नो गरीबों को दे ब्ला ब्ला, वो हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके दिखाऊं आप लोगों को ये देखें ये चीज़ें मैं गरीबों में बांट रही हूँ या मेरे घर वाले ये गरीबों में दे रहे हैं, नहीं। ये चीज़ जो अल्लाह और इंसान के बीच में होती है एंड आई बिलीव कि वो सब लोग करते हैं। ये चीज़ें जो है आपको छुपा कर करनी चाहिए। और रमज़ान में जो है अल्लाह हिसाब नहीं लेता, इसीलिए मेरी शुरू से आदत है रमज़ान में जो है मैं भले 10-20-30 न्यू ड्रेसेस बनवा के रखती हूँ, वो मैं पहनती हूँ पूरा साल। ये नहीं कि बस पहन के फेंक देती हूँ, नहीं, वो पूरा साल वो मैं रिपीट करती हूँ पहनती हूँ। तो प्लीज़ उस बात पे आप लोग ये मत लिया करें कि शो ऑफ करें ये वो, बस मेरी शुरू से आदत है कि अल्लाह को जो है हिसाब नहीं देना होता। वैसे अगर आप कोई भी चीज़ लें, एक अगर आपको ज़रूरत है अगर आप दो लेते हैं तो उसका भी हिसाब होता है, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो है मैं रमज़ान में न्यू ड्रेसेस बनवाती हूँ, ठीक है जी। होप सो आप सब लोगों को जवाब मिल गया होगा। प्लीज़ नो हेट, सिर्फ लव शो किया करें। अल्लाह हाफिज़।